अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्रिंटर जो काफी पुराना है, यानी कि वो एक यूएसबी टाइप प्रिंटर है, अगर आप उसे गूगल क्लाउड प्रिंटर से कनेक्ट करना चाहते हैं और उसे वायरलेसली काम में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्रिंटर है जो यूएसबी टाइप है और काफी पुराना है, आप चाहते हैं कि इस प्रिंटर को आप वायरलेसली काम में लें, वो भी बिना कोई ज्यादा हेडेक के, यानी कि कोई भी आपको हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे नॉर्मली अपने जो पीसी है उसी से इस प्रिंटर को कनेक्ट करते हुए आप अपने किसी भी डिवाइस से इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉइड हो, आईओएस हो या फिर कोई दूसरा पीसी भी हो सकता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आपको ये करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, चाहिए आपके जो प्रिंटर है उसे अपने किसी पीसी से कनेक्ट कीजिए। जैसे आप उस पीसी से अपने प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, सीधे आप गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ पर आप जो नीचे यूआरएल आ रहा है इसे टाइप कीजिए। जैसे आप ये यूआरएल टाइप करते हैं, आपके सामने गूगल क्लाउड प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है कि आप इसके अंदर अपने जो पुराना पीसी, जो पुराना प्रिंटर है उसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जो यूएसबी प्रिंटर है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले बता दूँ कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जिस कंप्यूटर से आप इस प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, वो पीसी जब तक आप क्लाउड प्रिंट काम लेते हैं तब तक ऑन रहना चाहिए, और जो प्रिंटर है उस से जो डिवाइस है उससे कनेक्ट रहना चाहिए, और साथ ही आपको इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तभी ये सर्विस काम करेगी। जैसे आप ये यूआरएल अपने ब्राउजर में खोलते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन देता है कि आप अपने प्रिंटर को ऐड कीजिए। जैसे आप ऐड प्रिंटर पर क्लिक करते हैं, आपके जितने भी प्रिंटर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे आप वो प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपसे एक कंफर्म मांगेगा, यानी कि आप इन प्रिंटर को सिलेक्ट किया है या आप क्लाउड प्रिंट से कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आप इन प्रिंटर को क्लाउड से कनेक्ट करते हैं, जो जिस ईमेल से आपने अपने पीसी में साइन इन किया हो, यानी अपने गूगल क्रोम में आपने जिस ईमेल से साइन इन किया है उसी ईमेल से आप दूसरे डिवाइस में, यानी कि अगर आप किसी मोबाइल से प्रिंट करना चाहते हैं उस मोबाइल में उस ईमेल से साइन इन कीजिए, या फिर अगर आप चाहें कि कोई दूसरा ईमेल वाला आपके प्रिंट से प्रिंट निकाल सके तो आप उसे इन्विटेशन भेज सकते हैं कि वो आपके प्रिंटर एक्सेस करें। अब बात करते हैं कि आपने सेम ईमेल से कनेक्ट किया हुआ है तो आपको अपने मोबाइल डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर डाउन करना होगा जिसे कहते हैं गूगल क्लाउड प्रिंट। जैसे आप ये सर्विस इंस्टॉल करते हैं, आपको इस सर्विस को सेटिंग में जाकर एनेबल करना है। जैसे आप ये काम कर लेते हैं, आप कोई भी फाइल आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। आप इसमें उसको साइज चूज कर सकते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस प्रिंटर से सिलेक्ट प्रिंट करना है, ये होती है गूगल क्लाउड प्रिंट। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि आप गूगल क्लाउड प्रिंट को कैसे काम में ले सकते हैं और ये आपके लिए कितनी फायदेमंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।